हेलो एवरीवन, मैं आज आपके पास क्लास 12 का ही चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चैप्टर जो है आपके चैप्टर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कुछ टिप्स लेके आई हूँ। ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी मुझे कमेंट आया था कि क्वार्टर का कैसा कैलकुलेशन होता है ड्राइंग में, वो बताने के लिए इसीलिए मैंने ये मतलब इसलिए मैं ये कुछ टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ। ये पर्टिकुलर मैंने कोई बुक से नहीं किया है, ये चीज़ आपका हर बोर्ड में यूज़ हो सकता है, चाहे वो CBSE हो, ISC हो, चाहे वो आपका WB बोर्ड हो, चाहे कोई भी बुक हो, ठीक है। तो ये आप प्लीज़ देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खाली मैंने कैलकुलेट करना सिखाई हूँ, इसमें क्वार्टर का और बिगनिंग का जब हाफ मंथ होता है, हाफ मंथ का सब सम्स होता है तब का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट करना है आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ विक्रम का एट द रेट 20%, मतलब विक्रम एक पार्टनर है, ठीक है, जिसका 20% चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और पिछला सब कुछ तो आपको पता ही है कैसे क्या होता है, इसलिए मैं वो सब कुछ नहीं, जस्ट इसमें मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वार्टर का कैसे कैलकुलेशन होता है वो मैं बताई हूँ इसमें। तो 20% आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इन ईयर एंडेड डेट ये है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, ये आपका केस है, इस हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने होंगे। सपोज़ आपका मान लीजिए कोई सम आप कर रही हैं PL एप्रोप्रिएशन का, और उसमें आपको ड्राइंग के जगह पर ये लाइन लिखा होगा कि जो भी मेंबर है, यहाँ पे तो मैंने विक्रम ले लिया है अपने मन से, जो भी मेंबर होगा वो विड्रॉ किया है 6,000 करके इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ध्यान दीजिए, क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब एक साल में आप तोड़ेंगी तीन तीन महीना करके, तो चार बार होता है ना, तीन 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 तीन, मतलब चार बार हुआ, 3, 6, 9, 12, इसीलिए क्वार्टर को चार माना जाता है। वैसे मैं ये चीज़ बताई हूँ इस चैप्टर का, मेरा जो पार्ट 1 बासुएन दत्ता का जो ये चैप्टर मैं दी हूँ पार्ट 1, उसमें मैंने ये भी बताया है, बट सम नहीं किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे छोटा सा सम अपने मन से करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आपको और क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पे जब आपका ऐसे अमाउंट दिया रहेगा ड्राइंग का, और आपका रेट तो पता है 20% है, और क्वार्टर आपको कह दे बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, तो आप कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा। देखिए तो आपको तो ये पता है ड्राइंग कहाँ कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आप सब सम्स कर चुकी हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या करना है। इसलिए मैं वो और सब नेट प्रॉफिट या कैपिटल सैलरी ये कमीशन ये सब कुछ नहीं, जस्ट इसमें मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा रही हूँ। तो इसका कैलकुलेशन आप क्या कीजिएगा, 6,000 अमाउंट हुआ, ठीक है, 4 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ क्वार्टर है इसीलिए 4 लिया, ठीक है। अच्छा, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का रूल है एज़ पर सेक्शन एक्ट के हिसाब से 1932 में, जो मैं पार्ट 1 वीडियो में बताई हूँ, तो उसके हिसाब से आपको 7.5/12 लेना है, ठीक है। अच्छा, 20% तो आपको रेट दे दिया है, इसका आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा 3,000 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके ड्राइंग सम में ड्राइंग की जगह पे आपको ये कह दे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मान लीजिए तीन पार्टनर है, पहला पार्टनर ये कर लिया तो उसका अमाउंट ये होगा, दूसरा मान लीजिए पार्टनर ये किया है ऐसे तो उसका अमाउंट ये अमाउंट होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने तो यहाँ एक ही पार्टनर लिया है, ठीक है, आपका तीन पार्टनर में तीन तरीके से हो सकता है ड्राइंग में सम्स में। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपका 6,000 करके होता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, तो एंड ऑफ अगर बोलेगा 6,000 तो आपको पता चल गया है, 4 क्यों आया, क्वार्टर के कारण आया, एक साल में तीन महीना करके आप तोड़िएगा तो चार बार होता है इसीलिए क्वार्टरली चार हुआ, और एंड जब होता है तो वहाँ पे 4.5/12 होता है, ठीक है। और 20% तो आपको रेट दिया ही था, तो वो आप 20% ले लीजिएगा, फिर ये सॉल्व कीजिएगा तो 1,800 आएगा, ठीक है, ये ड्राइंग का दूसरा। अब तीसरा, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर या एक ही पार्टनर ये तीनों काम कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज एक ही पार्टनर का तीनों दे दिया आपका, लेकिन सब में तीन तीन पार्टनर रहते हैं, दो पार्टनर रहते हैं, कभी एक ही पार्टनर, अगर एक पार्टनर ज़्यादातर नहीं मिलेंगे ऐसे सम्स, अगर ऐसा कुछ हुआ एक पार्टनर का तीनों केस दे दिया इस तरह का, अगर ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन देता है तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, नहीं आपको तीन पार्टनर का तीनों केस के तरह देगा तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, वो आप पर डिपेंड है, मतलब वो तो सम पर डिपेंड है कि वो किस तरह से देता है, लेकिन आप ये लाइनिंग पे नोटिस कीजिएगा, ठीक है, जब जो लाइनिंग बोलेगा उस तरह से आपको कैलकुलेट करना है उस पार्टनर का, ठीक है।
हाँ और एक अगर मान लीजिए कि एक ही तीनों पार्ट तीन पार्टनर है और मान लीजिए आपका एक ही ठो लाइन दिया है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर सबके लिए, तो बस आप सब सभी पार्टनर का ये ऐसे ही कैलकुलेट कीजिएगा, ये और ये मत कीजिएगा। मतलब बस लाइनिंग आपको नोटिस करना है, सम ध्यान से पढ़ना है कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए केस थ्री में अगर सपोज आपको 6000 दिया इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो 6000 तो आपको पता है अमाउंट दिया हुआ है, 4 आपका क्वार्टर के कारण आया है, ठीक है। एक साल में तीन बार करके तोड़िएगा तो 4 बार होता है, इसीलिए मिडिल, मिडिल मतलब ही बीच का, हाफ ईयरली मिडिल, ये सब का मतलब 6/12, ये तो नॉर्मल है, 20% आपको रेट दिया ही था, तो इस तरीके से आपका क्वार्टर का सम्स होता है, ठीक है। ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वार्टर का बताया है, अपने मन से सम लेके मैंने ये किया है फॉर ऑल बोर्ड्स के लिए कि आप लोग इस तरह से अगर आपका लाइन दे दे तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी बात तो आपको पता है कैसे क्या करना है, ठीक है। अच्छा इसी के बाद मैंने एक और बता दिया है, ये एक सपोज एक आपको मैंने देखिए वीडियो जो आपका पार्ट थ्री है मेरा, पार्ट थ्री वीडियो जो है इसी चैप्टर का जो मेरा पार्ट थ्री वीडियो है उसमें मैंने जो 75 नंबर सम्स बनाया है वो सम में आपका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था, एंड ऑफ ईच मंथ था और मिडिल ऑफ द ईच मंथ था, तो वो आपका एक साल का सम्स था, वहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं था कि हाफ ईयरली सम्स है मतलब 6 मंथ का। वैसा ही सम ना आपको मैं बता दूँ कि 6 महीने का भी होता है, वो सम मेरा एक साल का था, 75 नंबर पार्ट थ्री वीडियो, ठीक है, इसी चैप्टर का, वो मेरा एक साल का सम्स था। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में आप लोगों ने लिया था 6.5/12, एंड में आप लोगों ने लिया था 5.5/12 और मिडिल में 6/12, ठीक है। इस तरह से आपने लिया था जो कि मैं पार्ट वन वीडियो में बताई भी हूँ ये सब सेक्शन, और सम के लिए मैंने 75 नंबर सम भी दी थी आपको पार्ट थ्री में, लेकिन ऐसा मैंने सम अभी तक नहीं निकाल दिया था कि जो 6 महीने का सम हो, आपका सम ही 6 महीने का रहेगा, तब अगर आपको ड्राइंग में आपको बिगनिंग बोल दे, एंड बोल दे और ई मिडिल बोल दे तो कैसा कैलकुलेशन होगा। तो ये चीज़ के लिए मैं जस्ट रूल दिखाई थी पार्ट वन वीडियो में, पार्ट वन में, तो लेकिन सम तो मैंने नहीं बनाया, इसलिए मैंने ऐसा एक सम आपको बता के दिखा रही हूँ जिससे कि अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा दे दे 6 महीने का सम दे दे और बिगनिंग एंड और मिडिल लिख दे ड्राइंग में तो आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखिए अमर, प्रदीप और रोहित तीन पार्टनर हैं जो कि फर्म खोले हैं, 1 अक्टूबर है उसका 2018 में, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, लोग जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली लेंगे। अमर जो ड्राइंग किया है मतलब ड्राइंग 9000 का ड्रॉ किए हैं इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ये 6 मंथ क्यों मैंने लिया, क्योंकि ये 6 महीने का ही सम होगा, आपके सम के क्वेश्चन में 6 महीना मेंशन कर देगा, लिखा रहेगा कहीं ना कहीं हाफ ईयरली सम्स है या फिर ऐसे ही करके आपको 6 महीना लिख देगा कि ये सम्स 6 ही महीने का है, ठीक है। और वैसे यहाँ देखिए ये तो 6 मंथ एंडेड डेट दिस, तो सोचिए अगर अक्टूबर में आपका स्टार्ट होता है सम तो आपका मार्च में ख़त्म हो जा रहा है, तो कितने महीना हुआ, 6 ही महीना हुआ ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च, 6 महीना हुआ ना, तो 6 महीने का ही ये सम्स हुआ, एक साल का तो सम नहीं हुआ। तो इस तरह के सम में अगर आपको बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बोल दे, अब प्रदीप भी सेम वैसे ही किया है 9000 का एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ के लिए सेम डे, तो यहाँ पे प्रदीप ने एंड कहा है, अमर को बिगनिंग कहा है और रोहित जो रेगुलरली 9000 ही अमाउंट है मिडिल ऑफ एवरी मंथ मतलब 6 महीना ही सेम, सबका 6 मंथ का ही सम्स है, 6 महीने का ही होगा, लेकिन याद रखिएगा अमर का बिगनिंग है और प्रदीप का आपका एंड है और रोहित का आपका मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 10% आपका रेट है यहाँ पे और डेट एंडिंग डेट 31 मार्च 2019, तो सोचिए अक्टूबर में आप स्टार्ट कर रहे हैं और मार्च में आप एंड कर रहे हो, तो 6 महीने का सम्स हुआ, 6 महीने का ही है, इसलिए मैंने हेडिंग लिख दिया 6 महीने का सम्स है। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालिएगा, देखिए अमर का जब बोला है आपको लाइनिंग पे नोटिस कीजिएगा क्वेश्चन में, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला है फॉर 6 मंथ के लिए,
ज़रूरी नहीं है वो हर एक लाइन में ये 6 महीना लिखे, आपका कहीं भी सम के ऊपर भी लिख देगा कि हाफ ईयरली सम से 6 महीना है, तो ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने क्वेश्चन में बार बार हर जगह लिख दिया है 6 मंथ 6 मंथ, वो आपको हर जगह ही लिखा रहे, सम में कहीं भी लिख सकता आप, इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आप अगर हाफ ईयरली सम्स या 6 मंथ सम्स कह दे या डेट देखिएगा 6 ही महीना से हो रहा है, जैसे अक्टूबर से मेरा मार्च तक हुआ तो 6 ही महीना का, तो अभी ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिएगा, लाइनिंग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अमर देखिए, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, मतलब आपका अमर का कितना किया था, 9000 ही किया था, सबका ही 9000 मैं दी हूँ, 9000 है। अच्छा, 6 मैंने × 6 किया, क्यों? और यही सम्स अगर आपका 1 साल का होता, जैसे 75 नंबर सम्स में है मेरा, यहाँ पे मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो 1 साल का सम्स था, और ये है 6 महीने का सम्स है, इसीलिए यहाँ पे आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा, ठीक है। और जब भी आपको बिगनिंग बोल दे तो आपको यहाँ पे कितना लेना है, 3.5 बाई 12, ठीक है, 1 साल का 3.5 बाई 12। अगर यही 1 साल का होता 75 नंबर सम्स में देखिएगा, तो मैंने यहाँ लिया है 6.5 बाई 12। ये सब 1932 पार्टनरशिप एक्ट है, याद रखिएगा, ये रूल सब आप ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने बार बार हर वीडियो में बोला है कि पार्ट 1 वीडियो देखना ना भूले, वो अगर देखिएगा तभी आपका PL एप्लीकेशन क्लियर होगा। और 10% तो आपको चार्ज रेट दिया था तो वो ले लीजिएगा, बस याद रखिएगा 6 मंथ का सम में आपको बिगनिंग में 3.5 बाई 12 लेना है और 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर उसके बाद कैलकुलेट कीजिएगा, आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। सेम वैसे ही एंड ऑफ एवरी मंथ में आपको 6 मंथ ही का है तो 9000 वही अमाउंट, 6 तो लेना है क्योंकि 6 महीने का ही सम्स है, 6 लेना है, अगर 1 साल का होता तो 12 महीना लेते, और एंड ऑफ द में क्या होता है 2.5 बाई 12 लेना है। और यही अगर आपका 1 साल का होता तो हम क्या लिए थे 75 नंबर में, क्या लिए थे 5.5 बाई 12, ठीक है, 10% तो रेट वही है, ये अमाउंट आपको कैलकुलेट कीजिए तो आपको मिल जाएगा। ये हो गया बिगनिंग एंड, बिगनिंग में 3.5 बाई 12, एंड में 2.5 बाई 12 × 6 × 6, क्लियर। अब आइए रोहित का, रोहित का मिडिल ऑफ एवरी मंथ अगर रहे तो आपको वही इंटू 6 तो करना है क्योंकि 6 मंथ का ही सम्स है, 6 महीने का सम्स है, तो और मिडिल में मतलब 3 बाई 12, और यही 1 साल का होता तो 6 बाई 12 हम लेते, ठीक है, जो कि हम लिए हैं 70, हम बार बार 75 नंबर बोल रहे हैं क्योंकि उसमें मैंने वो सम दिखाया है 1 साल वाला, लेकिन मैं ये हाफ ईयरली सम मैंने नहीं दिखाया था, इसीलिए मैं ये दिखा रही हूँ। तो यह 3 बाई 12, और रेट तो आपको 10% दिया है, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। सेम यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए 1 ईयर का सम्स हो, मतलब 12 मंथ का सम्स हो, उसके लिए आप वीडियो पार्ट 3 देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन का सम नंबर 95 है, सॉरी मैंने हर जगह 75 कह दिया है, 95 नंबर सम्स है, आप 95 नंबर सम्स देखिएगा, मत एक ही वीडियो में तो दोनों ही है 75 और 95, आप देख लीजिएगा 95 नंबर, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा बिगनिंग और एंड और मिडिल सभी का मिल जाएगा आपको, जो 1 साल का है, और ये 6 महीने का आपको मैंने यहाँ दिखा दिया है, ठीक है। तो ये रहा आपका सम्स, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ पे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से कमेंट कीजिएगा।